वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं शरद पूर्णिमा की कथा। शरद पूर्णिमा को कुजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा और कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह बड़ी पूर्णिमा के रूप में शरद पूर्णिमा का व्रत मनाया जाता है। यह व्रत आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष करके गंगा स्नान दान और इस दिन व्रत करने का विधान है। अगर इस दिन सच्ची श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उपाय किए जाए या भगवान विष्णु या भगवान शिव किसी भी प्रकार के पूजन के लिए इस दिन का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस दिन किसी भी प्रकार का अगर सत्कर्म करते हैं तो इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा अपने 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और पृथ्वी के बहुत निकट आ जाते हैं और चंद्रमा की किरणों से अमृत भी झरता है। तभी इस दिन उत्तर भारत में खीर बनाकर रात भर चांदी में रखा जाता है, यानी कि आकाश के नीचे उस खीर को बना करके रखा जाता है और एक प्रहर उस खीर को रखने के बाद फिर माता लक्ष्मी को उस खीर का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य दिन भी माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी का प्राकट्य दिन माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से, आराधना करने से माता लक्ष्मी अपना विशेष कृपा प्रदान करती है। अगर आप हमें शरद पूर्णिमा कुजागरी व्रत के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप हमें ब्राह्मण दक्षिणा अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार प्रदान कर सकते हैं। इस दिन चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के ही नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना चाहिए, तीर्थों में जाकर स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी में स्नान ना कर पाए, तीर्थों में स्नान ना कर पाए, तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर मन में प्रभु नाम का स्मरण करते हुए मन में व्रत का संकल्प लेना चाहिए और दिन भर व्रत उपवास रहते हुए इस दिन व्रत को करना चाहिए। और शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए रात्रि में जागरण भी किया जाता है। माता लक्ष्मी का इस दिन प्राकट्य दिन माना जाता है। तो जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ अपने घर को पवित्र बना करके रखते हैं, घर में पवित्रता जिनकी होती है वहां पे माता लक्ष्मी का आगमन होता है। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करें, तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, मांस मदिरा लहसुन प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, धर्म कर्म का कार्य करे, दान पुण्यों का कार्य करे। इस दिन लेन देन के लिए भी पूर्णिमा का दिन अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए पूर्णिमा के दिन किसी को उधार नहीं देना चाहिए। आप दान कर सकते हैं लेकिन उधार किसी को ना दे। ब्राह्मणों को भोजन कराए, गौ को चारा खिलाए, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। गरीबों को भोजन कराए। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से शरद पूर्णिमा जो कि बड़ी पूर्णिमा के रूप में जानी जाती है, इसका भी अपना एक विशेष महत्व है। इस दिन 100 दीपक जलाए जाते हैं और अपने घर में स्वास्तिक भी बनाया जाता है, जिससे कि माता लक्ष्मी प्रभावित होती हैं और अपने भक्तों के घर में पहुंचकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती है। इस दिन मनुष्य विधि पूर्वक स्नान करके उपवास रखे और जितेंद्रिय भाव से धनवान व्यक्ति तांबे अथवा मिट्टी के कलश पर वस्त्र ढकी हुई स्वर्णमयी लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करके भिन्न भिन्न उपचारों से, यानी कि पंचोपचार या खोटसोपचार पूजन विधि के द्वारा माता का पूजन करे। तदंतर संध्या के समय चंद्रोदय होने पर सोने चांदी अथवा मिट्टी के भी भरे हुए 100 दीपक जलाए। इसके बाद घी मिश्रित खीर तैयार करें और बहुत से पात्रों में डालकर उसे चंद्रमा की चांदनी में रखें। जब एक प्रहर यानी कि 3 घंटे बीत जाएं, तब माता लक्ष्मी को खीर अर्पण करें। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक अगले दिन जा करके माता को जब रात को आप पूजन कर लेते हैं, तो फिर माता का पूजन करने के बाद अगले दिन जा करके उस खीर को ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और
गरीबों को भोजन कराया जाता है और खुद भी उस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन स्त्रियां मांगलिक गीत गाकर तथा मांगलिक कार्यक्रम करते हुए रात्रि में इनको जागरण करना चाहिए। तदनंतर अरुणोदय काल में स्नान करके माता लक्ष्मी जी की स्वर्णमयी प्रतिमा अपने श्रद्धा और समर्थ के अनुसार अगर आप दान कर पाए तो दान आपको करना चाहिए। इस रात्रि की मध्य रात्रि में देवी माता महालक्ष्मी अपने कर कमलों में वर और अभय लिए संसार में विचरण करती हैं और मन में संकल्प लेती हुई कि इस समय भूतल पर कौन जाग रहा है, जागकर मेरी पूजा में लगे हुए उन मनुष्यों को मैं आज धन दूंगी। इस प्रकार हर वर्ष किए जाने वाला यह कुजागर व्रत माता लक्ष्मी जी को संतुष्ट करने वाला है। इससे प्रसन्न हुई माता लक्ष्मी इस लोक में तो समृद्धि देती ही है और शरीर का अंत होने पर परलोक भी प्रदान करती है। तो आइए सुनते हैं अब शरद पूर्णिमा की कथा। एक साहूकार के दो पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत किया करती थी, परंतु बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी लेकिन छोटी पुत्री अधूरा ही व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान जन्म लेते ही मर जाती थी। फिर छोटी पुत्री ने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बतलाया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा ही व्रत करती हो, इसी कारण से तुम्हारी संतान जन्म तो लेती है लेकिन जन्म लेते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा विधि पूर्वक तुम अगर व्रत करो तो तुम्हारे संतान अवश्य ही जीवित रहेंगे। और फिर उसने पंडितों के कहे अनुसार विधि पूर्वक पूर्णिमा का व्रत किया। उसका लड़का हुआ परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर उसके ऊपर कपड़ा से उसे ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुला लाई और बैठने के लिए वह पीढ़ी दे दी। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली कि अरे तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि हे बहन, यह तो पहले ही मर चुका था, तेरे भाग्य से यह अब जीवित हो चुका है, तेरे पुण्य से यह जीवित हुआ है। इसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ शरद पूर्णिमा का व्रत करते हैं, इस दिन सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, उन्हें अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। अगर आप हमें शरद पूर्णिमा कोजागरी व्रत के लिए अगर ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ की प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।